हमारे स्टेट के सीएम पी के आर गुजर गए। ये बहुत ही डिफरेंट खतरनाक जंगल है, राक्षस जैसे इंसान। तो दोस्तों एस आर के सुहाना की किंग मूवी को लेकर आया नया अपडेट। जी हां, शाहरुख खान और सुहाना खान की फिल्म द किंग बन रही है और शाहरुख खान का प्लान है कि इसे एकदम बड़े स्केल पर बनाना है। इसे शाहरुख खान अपने बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तले प्रोड्यूस कर रहे हैं। खबर आई है कि शाहरुख खान फिल्म के बजट को ऊपर ऊपर इन द ईयर ले जा रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा में छपी रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान द किंग में 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। इस फिल्म को सुजय घोष डायरेक्ट करेंगे। वही पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद फिल्म के एक्शन बॉक्स पर काम करेंगे। रिपोर्ट में कोट किए गए सोर्स ने बताया, हर किसी की कल्पना से परे द किंग एम्बिशियस फिल्म है। स्क्रिप्ट स्केल से लेके एक्शन तक फिल्म प्री प्रोडक्शन के सभी पहलुओं को दुरुस्त करने के लिए पिछले एक साल से काम कर रही है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट पर काम किया है। द किंग भी उसी मामले में अलग नहीं होगी। बैनर सुहाना खान के बड़े डेब्यू में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। बता दें कि द किंग सुहाना की पहली फिल्म नहीं, उनकी डेब्यू फिल्म द आर्चीज थी जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। द किंग उनकी पहली थिएट्रिकल रिलीज होने वाली है। पिछली मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था द किंग हॉलीवुड फिल्म लियोन द प्रोफेशनल से प्रेरित है। हालांकि मेकर्स ने इसके बारे में कोई डिटेल शेयर नहीं की है। बीच में खबर आने लगी थी कि शाहरुख खान ने द किंग को बंद कर दिया है, उसकी जगह वो और सुहाना खान किसी और प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम करेंगे, मगर ये खबर सच नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो द किंग पर पिछले एक साल से काम चल रहा है। शाहरुख खान ने फिल्म के एक्शन की जिम्मेदारी सिद्धार्थ आनंद को दी है। सिद्धार्थ विदेशी स्टंट्स डायरेक्टर को लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि इस फिल्म में ऐसे एक्शन सीन बनाए जाए जिसमें असली एक्शन के साथ साथ एपेक्स का भी इस्तेमाल हो। द किंग की शूटिंग मई 2024 से शुरू होने वाली है। इसके बाद फिल्म की टीम अगले 5 महीने शूट करेगी। मेकर चाहते हैं कि फिल्म को 2025 के बीच में रिलीज किया जाए। वैसे दोस्तों आप शाहरुख खान और सुहाना खान की इस फिल्म के लिए एक्साइटेड है या नहीं कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी शाहरुख खान के डाई हार्ट फैन है तो ऐसी ही एसआरके की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।